दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, भारत की जनजातियों के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। ज्यादा लंबा ना हो इसलिए एक वीडियो में मैंने नहीं कराया, दूसरा वीडियो बनाया उसके ऊपर। तो बची कुछ जनजाति मैंने इसमें ले दी, तो ज्यादातर राज्यों की जनजातियां आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को पढ़ने के बाद। वो वीडियो भी जरूर देख लें अगर आपको जनजातियों को अच्छे से रटना है, वरना इनको क्या होता है, या तो ये हमें याद ही नहीं होती है या हम इन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, अब जनजातियां आप नहीं भूलोगे, ये बात आपने अगर दोनों वीडियो देख ली तो गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से याद करना है। कैसे, देखिए कुछ ट्रिकी मेथड मैं बताऊंगा, कुछ याद रखेंगे आप, कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको याद रखवाने की। तो उसमें क्या है कि ऑप्शन तो आप देखते ही फिर बता देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं बताता हूं। जैसे अब हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश, बाकी राज्य हमने उसमें भी कवर किए हैं काफी सारे, तो पहले वीडियो में उसमें देख लेना। तो अब इसमें बताता हूं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य भी तो याद रखना है ना। तो इसमें क्या एक वर्ड आ रहा है जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं। देखिए, कोई बेटी है, कोई छोटा सा बच्चा है, बेटी रूप में मानूंगा मैं, माँ चल है ना, माँ कहीं पे खड़ी है, किसी से बातें कर रही है और वो बोलती है बेटी उसकी कि माँ चल, माँ चल मुझे गुड्डी गुड़िया, मुझे गड्डी गुड्डी से खेलना है। गड्डी गुड्डी है ना, गुड्डे गुड़िया का खेल होता है ना बच्चों के लिए, गड्डे गुड़िया गुड़िया से खेलना है। ठीक है, फिर क्या खिलाएगी गुड़िया गुड्डे को, तो कुछ तो खिलाना पड़ता है ना, तो खिलाने के लिए भी बताया कि क्या खिलाना है मुझे, माँ होली आ रही है ना, ला मैं होली खिलाऊंगी उनको, है ना, गुड्डी और गड्डी को, मेरे गुड्डे गुड़िया इस बार होली खिलाऊंगी, ला माँ मुझे जो है, माँ चल घर, मुझे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना है ना, होली खिलानी है ना उनको, होली आ रही है। आगे अब आपको याद रहेगा हिमाचल प्रदेश से, माँ चल से याद आएगा, माँ चल से तो गड्डी गुड्डी का कुछ बात आएगी याद, या लाहौली, लाहौली से एकदम याद आएगा। लाहौली कहाँ बोला गया था, अच्छा हिमाचल प्रदेश में बोला गया था, जब वो गुड्डे गुड़िया के खेल मांगे, तो माँ चल आ रहा है ना उसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगे ये चीजें। अब मैं मणिपुर में आपको बताता हूं। अब देखिए, मणि, मणिपुर में एक वर्ड आ रहा है मणि, और मणि तो आप सब लोग जानते हो कितनी कीमती चीज होती है कि नहीं। अब मान लो किसी को मिल जाए किसी की मणि, तो वो तो चोरी करने का मन करेगा, दुबकाने का मन करेगा कि इसको ना पता चल जाए मुझे चाहिए है। तो अब क्या हुआ, अब मणि किसी ने चुरा तो ली, अब वो पूछना चाह रहा है, पता है कैसे पूछ रहा है, मणि बता भाई मेरी कहाँ है, मणि मिल, क्योंकि मणि कहाँ है ना, किधर है, तो उसको क्योंकि मैठी, कान मैठी ना, तो इसलिए मणि उसकी मिल गई। तो मणि कैसे मिली है उसकी, मणि चुरा ली थी और मणि वो मिलेगी उसको, कैसे मिली, क्योंकि मणि मिली कैसे, क्योंकि उसने कान मैठ दिए ना उसके पकड़ के, कान मैठना ऐठना समझ रहे हो ना, तो कान मैठ दिए पकड़ के, इसलिए उसकी मणि मिल गई। तो मणि क्योंकि, तो मणि से याद रहेगा क्योंकि, और मैठी, क्योंकि मैठी मारी थी ना उसके कानों में, तो इसलिए जो है मणि मिल गई थी। आगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में अब आप देखेंगे, उत्तराखंड में एक वर्ड आ रहा है, इसको पकड़िए, उत्तर, तो हम कह रहे हैं भाई थारो, थारो मतलब देखिए राजस्थान में तो बहुत बोले जाते हैं थारो, थारा मतलब तुम्हारा, तो थारो कोई, कोई कोई, बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुटिया बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ आप थोड़ा सा जोड़ सकते हो, थारा कोई बहुत बढ़िया है ना। तो उत्तर आ रहा है क्या, है ना, तो नीति से कोई पूछ रहा है, नीति कोई लड़की है तो, या थारा कोई बहुत बढ़िया नीति है क्या तुम्हारे पास, तो इसका उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए, यानी जैसे थारो, थारा कोई आक्रमण कर दे या कुछ भी कर दे, या कोई बात हो जाए किसी से कि भाई कोई नीति है तुम्हारे, थारे पास कोई नीति बहुत बढ़िया जो इसका उत्तर दिया जा सके इसके आक्रमण का। तो इस तरीके से आप याद रखिए, उत्तर वैसा उत्तर भी बोल सकते हैं, या अपना प्रश्न उत्तर को भी बोल सकते हो कि थारा कोई बहुत बढ़िया, दिखाइए भाई तेरा क्या उत्तर आ रहा है, उस हिसाब से थारा कोई उत्तर बहुत बढ़िया है, तो इस तरीके से तुम नीति से पूछ रहे हो, तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, है ना। तो अब मैं पूछूंगा इनको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के, अभी देखते हैं इनको एक बार याद कर लेते हैं हम। नागालैंड,
अब नागालैंड को तो नागा, मैं इसका ट्रिक बताने लगू तो बेकार की बात है ना। राजस्थान मीना सहरिया। अब राजस्थान मीना में कैसे याद रखेंगे? अब मीना तो मेरे ख्याल से कोई भी राजस्थान का कोई भी बता देगा कि मीना यहाँ की जनजाति है ना। तो अब राजस्थान से सहरिया कैसे याद रखें? देखिए हर कोई स्थान वर्ड आ रहा है ना, स्थान, तो हर कोई शहरी स्थान पे जाना चाहता कि नहीं? हर कोई ये चाहता है कि मैं शहरी स्थान पे बस जाऊं, मुझे ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकलना ताकि मैं अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाऊं, है ना। तो शहरी स्थान पर सहरिया तो याद रहेगा, सहरिया वर्ड बोलूंगा तो स्थान आएगा। अच्छा शहरी स्थान तो राजस्थान, तो सहरिया को अब मैं आपसे पूछूंगा सहरिया बताइए कहाँ की है, तो आप हिमाचल तो बोलोगे नहीं, इतना तो कन्फर्म है ना। ऑप्शन से देख के याद आ जाएगा, कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत भूलने भी लगे। क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसे बन जाता है, इस पे जैसे उत्तराखंड है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? थारो दे दी, कोई दे दी, भोटिया दे दी और एक गुड्डी उठा दी, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। या राजस्थान का पूछना चाहेगा तो निम्नलिखित में से राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो सहरिया मीना ऑप्शन में दे देगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो आगे सिक्किम, या पूछ लेगा सहरिया किस राज्य की जनजाति है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब सिक्किम, सिक्किम लेपचा। अब देखिए कोई सा भी किसी के ऊपर कोई लेप चढ़ाना है, किसी भी चीज का लेप हो, है ना, सोने के ऊपर किसी का भी चीज का लेप हो, मान लो वैसे चांदी की चीज है उस पर सोने का लेप चढ़ाना है, तो सेक कर ही तो चढ़ाया जाता है, लेपसा चढ़ाना है भाई, सेक के चढ़ाओ सिक्किम, है ना, सेक सी लगे, सेक लगा के ही चढ़ाते हो लेप, ताकि वो पिघल जाए और अच्छा चढ़ जाए, तो सिक्किम लेपचा, ठीक है। आगे मध्य प्रदेश पे आता हूं, तो मध्य प्रदेश कोल। अब कोल्स को मैं आपको याद रखता हूँ, कॉल, कॉल मतलब फोन कॉल। अब फोन कॉल हमेशा कोई काम चल रहा होता है मध्य में ही आ जाती है, बीच में ही कोई मीटिंग चल रही है, क्या पढ़ाई चल रही है, कोचिंग चल रही है, मध्य में कभी भी कॉल आ सकती है, कोल मध्य, तो कोल मध्य याद रहेगा ना, कॉल आई थी मध्य में, तो मध्य प्रदेश बीच में टोक दिया। मेघालय, अब मेघालय, मेघा, मेघालय से मेघा मैं याद करूंगा, और मेघा क्या होता है, बारिश, है ना, बादल, बारिश, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें कि बारिश, बारिश में क्या हो जाता है, गारा, गारा, गारो, 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 देखिए गांव के लोग तो एकदम समझ जाएंगे गारा क्या होता है, तो गारो, तो गारो खासी जयंती है, हालांकि इस नाम की पहाड़ी भी है मेघालय में, इन्हीं की वजह से तो यहाँ ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी जयंती की वजह से, तो पर चलिए कोई बात नहीं, वो जीके की बात है, आपको याद रखना है। तो मेघालय मेघ बहुत ज्यादा आते हैं, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो फिर क्या कीचड़ ही हो जाती है, गारा बोलते हैं कीचड़ के लिए, ठीक है, तो गारा हो जाती है। अब जब किसी के घर के आगे गारा हो जाएगी तो बीमारियां पनपेंगी, या आप ये सोचिए मेघ से जोड़ना है हमें, तो मेघ जब होते हैं, बारिश होती है, तो मौसम बदलता है कि नहीं, गर्मी पड़ रही है तो ठंड आ जाती है ना, तो फिर जब ठंड आती है तो कुछ ना कुछ तो हमें खांसी जुखाम तो एकदम हो जाते हैं, तो खांसी हो गई, मेघ आती है ना। अब खांसी इतनी भयंकर होगी कि वो टीबी बन गई, तो मेघ आते ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि भाई वो जो है मर मरा भी लिया, कोई जयंती मन रही है उसकी, ऐसे आप मान सकते हो कि मेघ से बाढ़ आ गई, और बाढ़ आएगी तो लोग मरेंगे और फिर जयंतियां ही मनेंगी, तो इस तरीके से आप मेघ से सारी चीजों को जोड़ दोगे। तो गारा, गारा में बोलूंगा कीचड़, कीचड़ कब हुई, मेघालय मेघ से, है ना, और खांसी, खांसी कब हुई, मेघ से, जयंती, जयंती कब मनी थी, जब मेघ ज्यादा हो गए थे, तो ऐसे आप मेघालय याद रख लेंगे। अंडमान व निकोबार, तो अंडमान निकोबार को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ऐसे, तो ओंगा और ओंजे, दरअसल में ये अंग्रेजी का वर्ड शायद ये है ओंगा, इसको ओंगा भी पढ़ लेता है, कोई ओंजे भी पढ़ता है, तो कई जगह इसको ओंजे भी देखोगे या ओंगा भी, बात एक ही है, दोनों जनजाति एक ही है। अब अंडमान में निकोबार में मैं कैसे बताऊं आपको, तो जैसे निकोबार, अब निकोबार को, अब कोई निकला बाहर, अपने घर से कोई निकलेगा बाहर, या अंडा से कोई बाहर, जैसे मान लो मुर्गे का अंडा है, उससे कोई निकला बाहर, तो पक्षी निकलेगा या छोटा मुर्गी, मुर्गा निकलेगा अंडे से बाहर, है ना, बच्चा, तो वो क्या, वो तो इधर उधर चलता फिरता है ऐसे, कभी कभी इधर पैर खींचेंगे, कभी इधर, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, तो ऐसे समझो जैसे ओंग आ रही हो उसको, ओंग बोलते जानते हो, जैसे नींद में हो,
है ना, औंगा, औंगाशाही हो रहा है भाई, वो तो औंगाशाही, औंगा मत उसकी को बोलते हैं जैसे कोई आदमी नींद में हो, है ना, इधर उधर पैर पड़ रहे हैं, तो औंगा ऐसे भी याद बोल सकते हो, है ना। और ओजे को ऐसे भी याद रखते हो कि भाई निकाला भार, निकला भार, जब बार बार ओजे जाओगे उसके, ओजना समझते हो, समझ, ओजना है कि जैसे किसी के मुंह में पानी डाल रहे हो और डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, या उसके मुंह में खाना दिए जा रहे हो, बच्चा है, ओज रहे हो और ओझ रहे हो, तो वो निकाल देगा बाहर कि नहीं निकालेगा, थोड़ी बहुत देर में तो निकाल ही देगा अगर आप बार बार ओझे जाओगे, है ना। तो वो वाली चीज है ये, तो निकोबार याद रहेगा ना, निकोबार निकला कब था बाहर, जब ओझे ओझे जा रहे थे आप उसमें, ओंगा ओंगा भी याद रहेगा, है ना। आगे आता हूं केरल, तो केरल का है कादर उराली मोपला, तो इसको कैसे याद करेंगे, तीन जनजाति याद करनी है केरल से, तो केरल को हम बार बार करेले से पढ़ते हैं, करेले, तो केरल को करेला बना देता हूं। अब देखो करेले की वैसे तो सबको कड़वा लगता है खाने में, है ना, बोला एक तो करेला नीम चढ़ा सुनते हैं ना, तो नीम भी कड़वा, करेला जब कोई बहुत बुरा होता है और फिर कोई बुरा काम करे तब लगाते हैं, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, तो उस तरीके को बोलते हैं, तो वो एक कहावत है। हालांकि तो करेला को अब मैं यहां याद रख रहा हूं, करेला, केरला, अंग्रेजी में तो केरला ही बोलते हैं, करेला ही हो गया, तो कदर, तो करेले की भी कदर करो, कदर करो, क्यों, करेले का जूस बड़ा स्वाद लगता है ना, करेले का जूस वाकई में स्वाद होता है, आप पी के देखना अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता हालांकि, पर हमें ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो केरल, केरल मतलब करेले की कदर करो, क्यों कदर करो, देखो वो जो बैठा है ना वो इसके जूस पे ही राल गिर रहा, किस पे, करेले पे भी राल गिर रहा, क्योंकि उसे बेचारे को कुछ मिला नहीं है, उसे कुछ भी मिल जाए वो तो राल गिर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, मोह पिला मोह पिला मोह पिला दो भाई, मुझे पिला दो, मुझे पिला दो, थोड़ा बहुत तो पिला दो, है ना, पेट भर जाएगा, तो वो वाला, तो कदर करो इसकी भी, देखो वो राल गिर रहा वहां पे बैठा हुआ, किसके ऊपर, करेले के ऊपर, क्या बोल रहा है, मोह पिला मुझे पिला, है ना, मोह पिला मतलब मुझे पिला, तो थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज कर देता हूं मैं यहाँ पे कभी कभी, तो यहाँ देसी वालों को तो फायदा हो रहा होगा, बाकी जो बाहर के लोग देखेंगे उनको हो सकता है मुंह का मतलब ना समझ में आए, मुंह का मतलब मुझे, है ना, तो आप ये थोड़ा सा इतना तो कॉपरेट कर सकते हैं मेरे साथ, तो केरल का याद हो जाएगा ना, केरल मतलब करेला, करेला को क्या, कदर करो, कदर कदर, है ना, कैसे, क्योंकि देखो कोई भी इस पे उराल गिर रहा, उराली और मोपला ऐसे कर रहा है ना, ठीक है, या मुंह फुला के बैठा है, उराल गिर रहा, तो वो बात। अच्छा त्रिपुरा, त्रिपुरा अब देखिए कोई चीज है तीन तरफ से घिरी हुई है, तीन तरफ से घिरी हुई है, त्रिपुरा हालांकि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है इसलिए नाम त्रिपुरा है उसका, तो वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, अब क्या है उसमें कोई जाना चाहे तो वो चकमा खा जाएगा, भाई बांग्लादेश भारत किधर है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी, तो त्रिपुरा में कोई भी जाएगा तो वो तो चकमा खाना ही खाना है, तो चकमा हो गई त्रिपुरा की, भाई तीनों ओर रास्ता, तीनों ओर बांग्लादेश है, पता नहीं भारत किधर है, मुझे वापस भारत जाना है, तो चकमा खा गया ना, और चकमा कोई भी क्या लुगाई भी चकमा खा जाएगी, लुसाई लुगाई, है ना, लुगाई समझते हो ना, औरत की वाइफ के लिए बोल देते हैं देसी लोग, तो लुगाई भी चकमा खा जाएगी, चकमा खा जाएगी, है ना, तो लुगाई तो जल्दी खा जाती हैं, बेचारी वो घूंघट पर्दे में होती हैं तो उनको तो और नहीं पता लगता कुछ भी, है ना, तो आजकल वैसे होता नहीं है ऐसा, पर कोई बात नहीं, हमें याद रखना है। आगे पश्चिम बंगाल, लोघा और भूमिज, तो पश्चिम बंगाल, अब आप देखोगे पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो आक्रमण, हालांकि अंग्रेज सबसे पहले अंग्रेज क्या पुर्तगाली आए थे तो साउथ इंडिया में मतलब भारत में दक्षिण में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो दक्षिण के बाद यहां तो जूझते रहे थे वो यूरोपीय कंपनियों के साथ, है ना, यूरोपीय देशों के साथ आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन भारत में सबसे पहले पता है अंग्रेजों ने कहां कब्जा किया था, बंगाल में ही किया था, यहां पे बंगाल में ही आक्रमण किया था, और बंगाल में भी पता है बंगालियों ने भी बहुत लोहा लिया था, बंगाल में भी नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे, तो बहुत लोहा लिया था अंग्रेजों से, है ना, तो लोहा, है ना, तो पश्चिम बंगाल, बंगालियों ने भी खूब लोहा लिया था, हालांकि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को ही, तुमने सुने होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना, बाद में बने भारत के, तो पहले बंगाल पे ही कब्जा किया था, तो वही लोहा, लोहा भी खूब लिया था बंगालियों ने, पर क्या करें बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया,
वरना तो वो भगा देते अंग्रेजों को वहीं से। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल की भूमि पर ही कब्जा किया था, लेकिन वहां भी खूब लोहा लिया था बंगालियों ने, तो भूमि भी कब्जाई थी वहां की, है ना, तो लोहा। आगे आंध्र प्रदेश, अब अंधे लोग तो हम पिछली वीडियो में याद कर चुके हैं, गुड़ को तो गुड़ की डली है, अंधे लोग भी उड़ा के ले जाएंगे, उड़ीसा भी था इसमें ना, गुड़ जनजाति कई राज्यों में थी ना, तो वो आपको याद होंगे, उस वीडियो से याद रख लेना। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक तो गुड़ हो गया, गुड़ तो अंधे लोग भी खाते हैं, और कैसे चेंचुस, अब आप देखिए अंधे लोग हैं बेचारे, कुछ तो कर नहीं सकते भाई, उन पर ना चला जाता है ना उठा जाता है, कैसे घूमेंगे बेचारे, है ना, तो अंधे लोग क्या होता है, सिर्फ चेंचे ही करते रहते हैं खाट में बैठकर, वो ये क्या नहीं, ये लाओ मेरे लिए, वो करो ये करो, है ना, तो चेंचे चेंचे चेंचुस याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश अंधे लोग, आंध्र है ना, आंध्र मतलब अंधे। ठीक है, आगे मैं जम्मू कश्मीर पर आता हूं, फिर एक बार रिवाइज कराता हूं सबको। जम्मू कश्मीर में कैसे, जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हो खूब दंगा फसाद होता है, खूब होता है ना, और बक्कल पाड़ देते हैं, कैसे गद्दी के लिए बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं यहां पर, है ना, गद्दी पे बहुत लगाई है, बक्कल उखाड़ देते हैं, बक्कल जानते हो ना, वो चमड़ी वही सब बक्कल उखाड़ देते हैं, बक्करवाल, गद्दी के लिए, है ना, जम्मू कश्मीर में जो है गद्दी के लिए लड़ाई चलती रहती है, पहले भी बहुत होती थी लड़ाई, है ना, गद्दी के लिए, तो मुगल काल या उससे पहले। अब चूंकि देखो लड़ाई के लिए जब भी लड़ाई की बात आती है तो गुज्जर भी जनजाति ऐसी ही है, तो गुज्जर लोग भी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, तो गुज्जर को भी आप जम्मू कश्मीर से जोड़ सकते हो, बक्कल बक्कल खड़ना करना ये सब काम गुज्जरों से आप बहुत आराम से जोड़ लोगे। चलिए मैं आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं आपको कि याद हुआ है कि नहीं ये जनजातियां, जैसे सहरिया, सोचिए आप सहरिया किसका बताया था, याद आ रहा होगा आपको, शहर में शहर के स्थान पर बसना चाहते हैं ना सब लोग, राजस्थान। कोय, देखिए कोल अलग है, कोय कोलियरी, मैं वो बाद में बताऊंगा, कोय थारो कोय बहुत बढ़िया उत्तर है ना, थारो कोय भोटिया है ना, और नीति किसे पूछ रहे थे, उत्तराखंड, आ रहा है ना याद, हाँ। अब खांसी, खांसी कब हुई थी, जब मेघ बहुत हो गए थे, प्रैक्टिस हो रही है, देखिए बहुत मजा आएगा आपको, आप खुद भी प्रैक्टिस करना कुछ भी लिख के, उन जनजातियों में से, इन जनजातियों में से कोई सी भी आप लिख लेना पहले ऐसे ही देख देख के, और फिर उनके आगे प्रैक्टिस करना कि राज्य हुआ या नहीं। या मैंने एक तरीका और बताया था कि आप जो है इनको अपने घर में किसी छोटे बच्चे को बोल लो कि भाई इधर से कोई सी जनजाति पूछ, या तो इधर से पूछ या इधर से, और मैं राज्य बताऊंगा कौन सा है उसमें, है ना, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, बहुत अच्छा याद करने का तरीका तो वही है। ओजे याद आ रहा है ना, ओजे किसमें है, ओजे तो ओजे जा रहे हो तो निकलेगी कभी ना कभी बाहर, निकोबार, अंडमान निकोबार, है ना, लिख दिया। चकमा, चकमा कहाँ खाए थे, जो तीन तरफ से कोई चीज घिरी है तो हमें भारत नहीं पा रहा था उसमें, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है ना ये। मैठी, मैठे क्योंकि, क्योंकि मैठी कहाँ का, क्योंकि क्यों मैठे थे कान उसके, मणि ढूंढने के लिए, मणि तभी तो मिली थी, मणिपुर। आगे लाहौली, लाहौली खिलाऊंगी माँ, माँ चल गुड्डी गुड़िया दिला दे मुझे, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, याद आ रहा है ना, ऐसे ही याद आएगा ये। और लोघा भूमिज, लोघा भूमिज, लोघा तो बहुत लिया था किसने, बंगालियों ने भी, किसका, अंग्रेजों का, पश्चिम बंगाल, ऐसे आप याद रख लीजिए, तो भूमि वहां की भूमि पर अंग्रेजों ने आक्रमण, ऐसे आपको याद रखना है। बक्करवाल, बक्कर कहाँ उखाड़ देते हैं लोग, हाँ जम्मू कश्मीर, सही याद आ रहा है, गुज्जर भी यहाँ की है, और क्या था, तो और भी याद आ रहा होगा आपको, बक्करवाल, गद्दी, गद्दी भी यहीं की है ना, तो गद्दी के लिए तो उखाड़ते हैं। कोल, कोल आ गई थी बीच में ही, है ना, मैं पढ़ रहा था बीच में ही कोल आ गई, मध्य मतलब बीच में। चेंचुस, तो चेंचे ही करते रहते हैं कौन, अंधे लोग, आंध्र प्रदेश। एक आध और दे दूं, मोपला, मोपला कहाँ आ रही थी, जहां बोल रहे थे मुझे पिला मुझे पिला, तो केरला, सॉरी मैं करेला ही लिख रहा हूं, तो केरल है ना मोपला। और क्या था, देखिए करेले का अब और इसमें था, आप देखेंगे कादर उराली मोपला, कादर उराली मोपला,
तो कादर कदर करो करेले की, और उराल गिर रहा है ना मोपला मोपला। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये जनजातियां क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, है ना। अब आप पहली और दूसरी वीडियो को साथ में देख के और ऐसे एक प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो खुद भी, ऐसे ही लिख लेना जनजातियों को और फिर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।